35 साल बाद मेरे को जो ध्यानचंद अवार्ड मिल रही है तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, और इस खुशी में ज़रूर कुछ ना कुछ रहस्य है। मैं ये समझता हूँ कि ये रहस्य जो है कि हमारे झारखंड के पब्लिक किसी न किसी रूप में मुझे जरूर सहयोग की है, जिसको कि हमको पता नहीं। हमारे झारखंड के खिलाड़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी जो खेल रहे हैं तो एकदम तन मन निष्ठा के साथ और लगन के साथ प्रैक्टिस करें, ताकि वो अपने प्रैक्टिस को अच्छा करके एक दिन वो भी अच्छे खिलाड़ी बन पाए। इस बार रियो ओलंपिक में हमारी हॉकी अच्छा नहीं कर पा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कोई गलती होगी, चाहे खिलाड़ियों में या तो थोड़ी सी खिलाड़ी की छोटी गलती होगी जिसके कारण से हम बॉल से चूक गए और हमको आज हार का मुंह देखना पड़ रहा है। उस समय हम लोग का ये चुनौती थी कि हम लोग जब आए हैं तो ये पदक लेके ही जाएंगे, खेलेंगे पूरा मेहनत के साथ जोर लगा के, हम अपने खेलों पर और मेहनत पर विश्वास रख रहे हैं और हम जरूर एक दिन कामयाब होंगे या जीत के जाएंगे बोल के ही हम इस ध्येय से खेले और हम आखिर पार में हम विजय हासिल कर लिए।